नमस्कार दोस्तों मैं रीना आपके अपने चैनल लीना किचन रेसिपी अनबलॉक्स में स्वागत करती हूँ तो आज हम जानेंगे कि व्रत में सावन सोमवार के व्रत में आप आलू खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते हैं तो सावन के सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है उनको जल दूध दही पंचामृत से स्नान कराया जाता है जो लोग काफ़ी लोग व्रत रखते हैं काफ़ी लोग उपवास करते हैं और काफ़ी लोग निर्जला व्रत भी करते हैं सावन के सोमवार और काफ़ी लोग पूरे सावन व्रत रखते हैं तो अब बात करते हैं हम कि सावन के सोमवार के व्रत में आप आलू खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते देखिए अगर आप गूगल सर्च करेंगे कुछ भी चीज सर्च करेंगे तो वहां जरूर लिखा हुआ होगा कि आलू आप खा सकते हैं लेकिन हमें जब भी कोई व्रत करें तो पूर्ण सात्विकता के साथ व्रत करना चाहिए हमसे जाने अनजाने में कोई भी पाप नहीं होना चाहिए देखिए एक आलू लेंगे आप और उसके अंदर से सुई डालेंगे तो उसके अंदर सूई डाल के जैसे ही आप बाहर निकालेंगे ना तो उसमें छोटे छोटे से बैक्टीरिया से रहते हैं इसीलिए हमें आलू बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आपको हरी सब्जी खानी जैसे लौकी है और जैसे साबुदाना है और साबुदाना के अलावा कुट्टू के आटे का कुछ भी बनाकर आप खा सकते हैं व्रत में मीठा भोजन खाएं और नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें यहाँ तक कि टमाटर का भी प्रयोग व्रत में नहीं करना चाहिए आलू का प्रयोग भूलकर भी अगर आप आलू का व्रत का सागर बना रहे हैं व्रत में कुछ भी बना रहे हैं तो प्लीज़ आज से ही बंद कर दीजिए क्योंकि आलू में जब भी आप और आपने देखा होगा कि आलू को जब हम धोते हैं तो काफ़ी स्टार्च होता है उसके अंदर अगर उस पानी को आप पूरी रात भर के लिए रख दोगे ना तो उसमें छोटे छोटे से बैक्टीरिया से हो जाते हैं मच्छर जैसे मच्छर से भी बारीक होते हैं इसलिए हमसे कोई जाने अनजाने में अब आपने देखा होगा कि एकादशी के व्रत में तो झाड़ू तक नहीं लगाते क्योंकि हमारे से कोई कीड़ी ना मर जाए कोई पाप ना हो जाए इसी वजह से हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जानकारी पसंद आई है वीडियो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हरे कृष्णा